नमस्कार, आज मैं आप सभी से एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि बेहद गंभीर है। एक ऐसा मुद्दा जिसे हर घर में पहुंचना चाहिए, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। आप सभी समाचार देखते हैं ना, टीवी पर या फिर मोबाइल फ़ोन पर आप समाचार अवश्य देखते होंगे। तो फिर आपने समाचार में अभी हाल में ही बॉयज लॉकर से संबंधित न्यूज को अवश्य सुना होगा। तो आप जानते होंगे कि बॉयज लॉकर क्या था, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। बॉयज लॉकर इंस्टाग्राम पे एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पर 11वीं और 12वीं के बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, और एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर 11वीं और 12वीं के बच्चे ऐसे अश्लील डिस्कशन किया करते थे या फिर ऐसे अश्लील इमेजेस को फॉरवर्ड किया करते थे जो कि ये दिखाते हैं कि उनकी सोच क्या है, जो कि ये दिखाते हैं कि उनकी यह सोच आगे समाज में क्या तबाही ला सकती है, या ऐसी सोच जो ये दर्शाती है कि समाज में आगे क्या हो सकता है। ऐसे हजारों ग्रुप हैं, लेकिन सच यह है कि ऐसे ग्रुप के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर ही रहते हैं, वो लोगों के अंदर ही रहते हैं, उसके बारे में हम कभी नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जनरेट कहाँ से होती हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि 11वीं 12वीं के बच्चे, और केवल 11वीं 12वीं के बच्चे ही नहीं, ऐसे बच्चे जो 9th 10th क्लास के भी होते हैं, वो भी इस तरह की अश्लील हरकतों में शामिल होते हैं। क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहें और आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इस समाज में चीज़ों को कहाँ से सीखते हैं? इस समाज में चीज़ों को हम सीखते हैं अपने समाज से। तो हमारे जो छात्र हैं वो भी चीज़ों को समाज से ही सीखते हैं। और समाज में आजकल क्या चल रहा है? आजकल समाज में सोशल मीडिया चल रहा है। आजकल हर एक छात्र के पास मोबाइल फ़ोन होता है, कहने के लिए तो ऑनलाइन स्टडी के नाम पर वो मोबाइल फ़ोन लेते हैं कि हमको फ्रेंड से इस चीज़ को शेयर करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप एजुकेशन की चीज़ों को सीखें, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वास्तव में बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसा सीखते हैं जो कि उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आप खुद ही सोचिएगा कि कितने माता पिता ऐसे हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चे फ़ोन पर क्या देखते हैं और किस तरह के लोगों के साथ जुड़े हैं, कौन कौन से ग्रुप में जुड़े हैं। कितने ऐसे माता पिता होंगे, आप इसके बारे में सोचिएगा। आजकल कुछ माता पिता अपनी लाइफ में अपनी व्यस्तता होने के नाते बच्चों को ओपनली मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि बच्चे फ़ोन पर क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चों की जासूसी की जाए, एटलीस्ट जब हमारे बच्चे कम उम्र के हैं उस समय तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि वो फ़ोन पर क्या देखते हैं, किससे जुड़े हैं और किस तरह के लोगों से क्या डिस्कस करते हैं, ताकि अगर वो कुछ गलत करें तो हम उन्हें समझा सकें, उन्हें गाइड कर सकें। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों का अट्रैक्शन, जुड़ाव गलत चीज़ों पर बहुत जल्दी होता है, तो बच्चों पर भी वही असर होता है। गलत चीज़ों पर वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वक्त कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसके बारे में आप अवश्य सोचिएगा। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा सोशल मीडिया द्वारा जो आजकल चीज़ें परोसी जा रही हैं उनका हमारे बच्चों पर कितना ज़्यादा बुरा असर है। कई बार मैंने देखा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। मैंने कई बार फेसबुक पर देखा है ऐसे वीडियोज़ को देखा है जो कि सार्वजनिक रूप से ओपन नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ओपन है। कौन है इनको रोकने वाला? आजकल वेब सीरीज़ को देखा ना आपने, कितनी सारी वेब सीरीज इस बाज़ार में परोसी जा रही हैं केवल इसलिए क्योंकि उनका धंधा बढ़ता है, लोगों को शिकार बना जाता है अश्लीलता को परोस कर। आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना है ना, सेंसर बोर्ड जो कि हमारे इंडिया में पिक, जो भी मूवी क्रिएट होती हैं, जो भी पिक्चर्स बनती हैं, उनको उनकी जाँच करता है कि ये कहीं अश्लील तो नहीं है,
और बाद में वो मूवी रिलीज होती हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचने का प्रयास कीजिएगा कि सेंसर बोर्ड आजकल कहाँ है? क्या वेब सीरीज के नाम पे, क्या कुछ शो के नाम पे कुछ भी इस समाज में परोसा जाएगा? क्या सेंसर बोर्ड आज ये नहीं देखता है कि हमारे नेटफ्लिक्स, हमारी उल्लू वेब सीरीज क्या क्या परोस रही हैं, और ऐसी चीज़ें परोस रही हैं और इस तरह से परोस रही हैं जहाँ पर कोई रुकावटें नहीं हैं, वो किसी के पास भी आसानी से पहुँच जाती हैं। केवल वेब सीरीज में ये लिख देने से कि ये 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए नहीं है, क्या इसको लिखने से चीज़ें रुक जाएंगी? आप खुद ही सोचिए। अगर हम सोचें कि हमारी सरकारें इस तरह से नियम बनाएंगे कि हमारे समाज का भलाई हो सके, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर सच में ऐसा है तो क्यों सरकार सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे एप्लीकेशंस को नहीं रोकती है जो कि सीधा ये दर्शाते हैं कि आप खुल्लम खुल्ला किसी महिला से चैट कर सकते हैं? जिस तरह की वहाँ पे शब्दावली लिखकर आती है ना, देखकर भद्दा लगता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बातों को कहते हुए, लेकिन यह बहुत बुरा है। हम सबको मिलकर चीज़ों को समझना होगा, हम सबको मिलकर चीज़ों को रोकना होगा। आप सभी को निश्चित रूप से अपने बच्चों का एक निश्चित उम्र तक ध्यान रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरह के लोगों से जुड़े हैं फ़ोन में, किस तरह के ग्रुप से जुड़े हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी आपको जो बच्चे 15-16 साल के छोटे लगते हैं, यही बच्चे अभी जब 30 साल के होंगे तो ये आपको ही लात मार के जाएंगे। तो इस बारे में आप सोचिएगा, और बेहद गंभीर विषय है ये। और मुझे लगता है कि ना जाने कितने ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर ये सब होता रहता है, लेकिन हम लोग कब जागरूक होंगे? हम लोग कब इसके बारे में कुछ नए प्रयास लाएंगे कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके? हम सभी को मिलकर इसके बारे में काम करना होगा, हम सभी को मिलकर इसके बारे में सोचना होगा। तो आज मैं आपसे बस यही बातें कहना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करेंगे, ताकि हर माता पिता एक माइंड में अपनी सोच को ला सके कि क्या चल रहा है, कहीं हमारे बच्चे रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में उनको भी एक नया नज़रिया मिलेगा। तो आप इस बात को और भी लोगों तक पहुँचाइए।